हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। फिर से आपके लिए लेकर आया 125 क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जो कि रहेगी हिंदी में। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि जुलाई अगस्त में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकल सकती हैं, तो आप सारे लोग फिर से तैयारी करना शुरू कर दीजिए या तैयारी को कंटिन्यू रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे पहले भी मैंने एग्जाम से रिलेटेड 80+ वीडियोज़ दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, अगर उनकी भी आप तैयारी कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिल सकें, क्योंकि यहाँ पर केवल एग्जाम की तैयारी होती है। तो बिना कोई देरी किए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, राइडर्स मसल्स के नाम से जानी जाती ग्लूटियस, एडेक्टर मैग्नस, हैमस्ट्रिंग या कॉर्डिसेप्स। आंसर बी इज करेक्ट, एडेक्टर मैग्नस। मूल्यांकन की प्रमुख विधियाँ हैं परिमाणात्मक मूल्यांकन विधि, गुणात्मक मूल्यांकन विधि, ए और बी दोनों। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। परिमाणात्मक एवं मापन की विधियां किसके अंतर्गत आती हैं? परिमाणात्मक मूल्यांकन विधि, गुणात्मक मूल्यांकन विधि, नकारात्मक मूल्यांकन विधि या सकारात्मक मूल्यांकन विधि। आंसर ए इज करेक्ट, परिमाणात्मक मूल्यांकन विधि। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के गुणों का वर्गीकरण होता है। आंसर ए इज करेक्ट, कार्डिनल गुण, केंद्रीय गुण या सेकेंडरी गुण। ऊंची कूद में स्टेडर रोल का प्रचलन किया, माइक स्विनी, जार्ज हेरोइन, ड्रेव अल्ब्रिटन, डिक आश्री। आंसर सी इज करेक्ट, डेव अल्ब्रिटन। ऊंची कूद में फास्टरी फ्लॉप तकनीक का प्रचलित किया, माइक स्विनी, जार्ज हेरोइन, डेव अल्ब्रिटन या डिक आश्री। आंसर डी इज करेक्ट, डिक फास्टरी। हैंग स्टाइल एवं हिचकिक स्टाइल तकनीक का उपयोग, लंबे कूद, ऊंची कूद, पोल वॉल्ट, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए इज करेक्ट, लंबी कूद। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है 3 mg, 3.34 mg, 2.10 mg या 1 mg। आंसर बी इज करेक्ट, 3.34 mg। वयस्क मनुष्य के शरीर का वजन होता है 1.5 से 2% कैल्शियम होता है, 6% कैल्शियम होता है, 5% कैल्शियम होता है, 25% कैल्शियम होता है। आंसर ए इज करेक्ट, 1.5 to 2% कैल्शियम होता है। छोटी माता किस वायरस के कारण होती है? बीजेड वायरस, वेरियोला वायरस, एचआईवी वायरस या एचएवी वायरस। आंसर बी इज करेक्ट, वेरियोला वायरस। सूर्य नमस्कार को कितने चरणों में संपूर्ण होता है? 5 चरण में, 2 चरण में, 10 चरण में या 3 चरण में। आंसर सी इज करेक्ट, 10 चरण में। रिले रेस में उपयोग होने वाले बैटन की लंबाई होती है 28 से 30 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। आंसर ए इज करेक्ट, 28 से 30 सेंटीमीटर। जिम्नास्टिक की नियमावली पुस्तक को कहा जाता है? कोड ऑफ पॉइंट्स, रूल्स बुक, बुक ऑफ रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ए इज करेक्ट, कोड ऑफ पॉइंट्स। लिटेसमस व्यवसाय निम्न में से कहां पर स्थित है? टांग के निम्नतर भाग में, जांग, पीठ का ऊपरी भाग या भुजा। आंसर सी इज करेक्ट, पीठ का ऊपरी भाग। विश्राम और गति, इन दोनों पदों का अध्ययन निम्न के अंतर्गत होता है? जीव रसायन, शारीरिक रचना, बायोमैकेनिक्स, इनमें से सभी। आंसर सी इज करेक्ट, बायोमैकेनिक्स। मांसपेशी का आराम निवेशन किसके द्वारा मापा जाता है? ट्रेडमिल, बाइकल एर्गोमीटर, रोइंग एर्गोमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर डी इज करेक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। गोनियोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मांसपेशी की लंबाई नापने के लिए, मांसपेशी की शक्ति मापने के लिए, जोड़ का कोण मापने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सी इज करेक्ट, जोड़ का कोण मापने के लिए। फुटबॉल में सामान्य चोट क्या है? घुटने की चोट, टखने की चोट, सिर की चोट या कंधे की चोट। आंसर ए इज करेक्ट, घुटने की चोट। निम्न में से अधिगम की विधियां हैं? अवलोकन, करके सीखना, सुप्त अधिगम, सामूहिक विधि, उपयुक्त में सभी विधि। आंसर डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी विधियां। शिक्षण और अधिगम है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, दोनों ज्ञात्मक प्रक्रियाएं हैं, उपयुक्त सभी। आंसर डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। सीखने का सूझबूझ का सिद्धांत के शैक्षिक उपयुक्तता में से नहीं है, जो नीचे सब दिए हैं इनमें से नहीं। आंसर सी इज करेक्ट, यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह कथन है? फोरेंसने का, रॉस का, रैक्स का या नाइट का। आंसर बी इज करेक्ट, रॉस का। निश्वसन में भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 11%, 21%, 31% या 41%। आंसर बी इज करेक्ट, 21%। श्वसन नियमन केंद्र स्थित होता है मेडुला में, मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में या इनमें से किसी में नहीं। आंसर बी इज करेक्ट, मस्तिष्क में। ग्लूकोज के एक अणु को दो पाइरुविक अम्ल के अणुओं में टूटना कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, क्रेब्स चक्र। आंसर ए इज करेक्ट, ग्लाइकोलाइसिस। कोशिका का
शक्ति केंद्र है, माइटोकांड्रिया, अंतःप्रदेयी जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम। आंसर इज करेक्ट, माइटोकांड्रिया। क्रेव चक्र पूर्ण होता है जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया में या राइबोसोम में? आंसर सी इज करेक्ट, माइटोकांड्रिया। ग्लाइकोसिस वह क्रेव चक्र के बीच का मध्यवर्ती यौगिक है, पाइरूविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एथिक अल्कोहल, एसिटिक सीओए। आंसर डी इज करेक्ट, एसिटिक सीओए। इनमें से किसको पारस्परिक क्रिया का नियम कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का प्रथम नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर बी इज करेक्ट, न्यूटन का तीसरा नियम। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में मसल सिकुड़ती है, लंबी हो जाती है, ना सिकुड़ती ना लंबी हो जाती है, सिकुड़ती भी है लंबी भी होती है? आंसर सी इज करेक्ट, ना सिकुड़ती है ना लंबी होती है। साइनोवियल ज्वाइंट्स कुछ कुछ चलायमान होते हैं, स्वतंत्र रूप से चलायमान होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होते? आंसर सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। वर्टिकल एक्सिस कैसे गुजरती है? परपेंडिकुलर से ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी? आंसर ए इज करेक्ट, परपेंडिकुलर से ग्राउंड। पेट की मांसपेशियों का सर्वोत्तम विकास किस प्रकार होता है? आंसर बी इज करेक्ट, चित्त लटी अवस्था में की जाने वाली क्रियाओं के द्वारा। कैरिकुलम शब्द का अर्थ होता है पाठ्यक्रम, किताबें, दौड़ का मैदान, इनमें से कोई नहीं? आंसर ए इज करेक्ट, पाठ्यक्रम। कहीं कहीं पर ये दौड़ का मैदान भी मिल जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया के कितने मुख्य तत्व हैं? 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज करेक्ट, 3। शिक्षा की प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन सा है? शिक्षण, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या सभी? आंसर डी इज करेक्ट, ये सभी। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनमें हम शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, यह कथन है किसका? हर्बर्ट स्पेंसर, मुन्नो का, हेल्प स्टेडर का या स्टीफेंस का? आंसर बी इज करेक्ट, मुन्नो का। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? 1931 दिल्ली में, 1955 बैंकॉक, 1960 जकार्ता में, 1964 कराची में। आंसर ए इज करेक्ट, 1951 दिल्ली में। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन का आदर्श वाक्य है? एवर ऑनवर्ड्स, फायर एवर हायर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर या बदलता है? सी इज करेक्ट, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1910, 1920, 1930 या 1940? आंसर बी इज करेक्ट, 1920 में हुई। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब हुई? 1929, 1935, 1939 या 1943? आंसर सी इज करेक्ट, 1939। स्वास्थ्य व मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शरीर अंग, शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाहरिक रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हो, या कथन है किसका? बोल्टमर या एसलिंगर का, फुंक तथा ब्राउन का, हार्वर्ड का, अल्टमैन का या मारिया तथा पुरकुंजे का? आंसर ए इज करेक्ट, बोल्टमर और एसलिंगर का। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन, कार्बोज, वसा, संतुलित आहार? आंसर डी इज करेक्ट, संतुलित आहार। शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति की कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2300, 3000, 3900 या 3600? आंसर डी इज करेक्ट, 3600। साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की कैलोरी की आवश्यकता होती है 2500 से 3000, 1500 से 2000, 3000 से 3500, इनमें से कोई नहीं? आंसर ए इज करेक्ट, 2500 से 3000। प्रोटोप्लाज्म जब सेल झिल्लियों से घिर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यूरोप्लाज्म, लिम्फ, साइटोप्लाज्म, रक्त? आंसर सी इज करेक्ट, साइटोप्लाज्म। स्टर्नम बोन कहाँ पर होती है? सीना, सिर, निचले पैर, पेट, पीठ के नीचे? आंसर इज करेक्ट, सीना। किस प्रकार के लीवर में फोर्स, वेट तथा फाल्कम के बीच रहती है? टाइप ए, टाइप टू, टाइप थ्री, इनमें से कोई नहीं? आंसर सी इज करेक्ट, टाइप थ्री। हंस फलक हड्डी स्थित है टांग में, पूले में, पीठ का ऊपरी भाग? भुजा, जिसको एक्सकैपुला बोन भी बोलते हैं। आंसर सी इज करेक्ट, पीठ का ऊपरी भाग। एरोबिक चक्र ऊर्जा का निर्माण करता है ऑक्सीजन के अनुपस्थित में, कार्बन डाई के अनुपस्थित में, ऑक्सीजन की उपस्थित में, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाई ऑक्साइड की उपस्थिति में? आंसर सी इज करेक्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। शरीर के सबसे लंबी मांसपेशी है बाइसेप्स, रेक्टम, एब्डोमिनल, गैस्ट्रोनिमस या सार्टोरियस? आंसर डी इज करेक्ट, सार्टोरियस। फेफड़े इन तंत्रों का भाग होता है पाचन तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसरण चरण तंत्र? आंसर सी इज करेक्ट, श्वसन तंत्र। मोक्ष के तुरंत उपचार में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? इन्फ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, क्रायोथेरेपी या मसाज? आंसर सी इज करेक्ट, क्रायोथेरेपी। प्राचीन ग्रीस में स्काई गार्ड थे अपोलो, जीसस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? आंसर ए इज करेक्ट, अपोलो। स्टर्नम कहां पर होती है? पांव, हथेली, कपाल, बच? आंसर डी इज करेक्ट, बच। नी, कार्टिलेज चोट सामान्यता किसके द्वारा जुड़ी होती है? स्विमिंग, रोबिंग, बॉक्सिंग या फुटबॉल? आंसर डी इज करेक्ट, फुटबॉल। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड कहां पर स्थित होते हैं?
आंतड़ियों के कपाट में, हृदय के कपाट में, डियोडेनल में या श्वसन के कपाट में? आंसर बी इज करेक्ट, हृदय के कपाट में। फेफड़ा कितने लोब्स में बटा होता है? आंसर ए इज करेक्ट, फेफड़ा बायां फेफड़ा दो तथा दायां फेफड़ा तीन लोब्स में होता है। निगलना, इंजेक्शन, पाचन डाइजेशन, जज करना अब्सॉर्प्शन तथा मरमूत करना डिफेक्शन किस तंत्र में आते हैं? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र। आंसर बी इज करेक्ट, पाचन तंत्र। लीवर बाइल बनता है, इसमें होता है बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल एवं बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल या पेप्सिन। आंसर बी इज करेक्ट, कोलेस्ट्रॉल तथा बाइल एसिड। छोटी आंत की लंबाई व व्यास होता है? आंसर बी इज करेक्ट, 6.5 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर व्यास की होती है। अच्छे बजट की विशेषताएं होती हैं? आंसर सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। किसी भी खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आवश्यक होता है? प्रतियोगिता पूर्व तैयारी, प्रतियोगिता के दौरान तैयारी, प्रतियोगिता के पश्चात तैयारी, उपयुक्त सभी। आंसर डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। अनुपयोगी उपकरणों का निपटान कैसे किया जाता है? उपकरणों को जलाकर, उपकरणों को गाड़कर, उपयोगों की नीलामी करके या उपयुक्त सभी? आंसर डी इज करेक्ट। क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाला विश्व का प्रथम खिलाड़ी? सुनील गावस्कर, गैरी सोबर, सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा? आंसर सी इज करेक्ट, सचिन तेंदुलकर। ऊंची कूद में सीजर जंप की तकनीक की जांच करने वाला? जॉर्ज हेरोन, माइक स्वीनी, जॉर्ज स्टोपी या रेरार्ड? आंसर बी इज करेक्ट, माइक स्वीनी। शरीर में किस मसल को थ्रोवर्स मसल कहते हैं? क्वाड्रिसेप्स, पेक्टोरलिस मेजर, हैमस्ट्रिंग या रेक्टम एब्डोमिन्स? आंसर बी इज करेक्ट, पेक्टोरलिस मेजर। शोल्डर डिसलोकेशन चोट सामान्यता किससे जुड़ी होती है? रॉबिन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या जूडो? आंसर डी इज करेक्ट, जूडो। सख्त संपीड़न उपचार प्रक्रिया को उपभोग किस अवस्था में दिया जाता है? रक्तस्रावी घाव, अस्थिभंग, मरोड़ या मोच? आंसर बी इज करेक्ट, अस्थिभंग। मनोरंजनात्मक क्रियाएं एवं लीड अप एक्टिविटी किस पाठ योजना का भाग होते हैं? सामान्य पाठ योजना, विशिष्ट पाठ योजना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? आंसर सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। कौशल का चयन तथा संगठन प्रस्तुतकरण की किस तैयारी के अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिगत तैयारी, तकनीक तैयारी, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं? आंसर बी इज करेक्ट, तकनीक तैयारी। लीड प्रतियोगिता में विजेता का निर्णय करने की विधियां हैं? कैनेडियन विद, ब्रिटिश विद, अमेरिकन विद, इनमें से सभी? 72, आंसर डी इज करेक्ट, इनमें से सभी। YMCA की स्थापना कब हुई थी? 1908, 1910, 1905 या 1906 में हुई थी? आंसर ए इज करेक्ट, 1908 में। लाल रक्त कण की औसत आयु कितनी होती है? 115 दिन, 100 दिन, 90 दिन, 60 दिन? आंसर ए इज करेक्ट, 115 दिन। फ्री एयर स्पेस में प्रोजेक्ट की गई एक वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है? अबनॉर्मल कर्व, पैराबोला, वेलोसिटी, इनमें से कोई नहीं? आंसर बी इज करेक्ट, पैराबोला। व्यक्तिगत फीडबैक किसके माध्यम से सरल हो जाता है? टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, काइनेस्थेटिक या इनमें से सभी? आंसर डी इज करेक्ट, इनमें सभी। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कुर्बतिन की मृत्यु किस सन में होती है? 1935, 1938, 1937 या 1920? आंसर सी इज करेक्ट, 1937 में। मनुष्य शरीर में मांसपेशियों का प्रतिशत होता है? 60, 40, 80 या 100? आंसर बी इज करेक्ट, 40। मानव खोपड़ी स्कल में हड्डियों की संख्या होती है? 7, 8, 9, 10? आंसर बी इज करेक्ट, 8। प्रतिक्रिया समय किसका भाग है? शारीरिक दक्षता, मोटर फिटनेस, स्वास्थ्य संबंधी दक्षता, इनमें से कोई नहीं? आंसर बी इज करेक्ट, मोटर फिटनेस। बास्केटबॉल के गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? 6, 7, 4, 5? आंसर बी इज करेक्ट, 7। फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं? हल्का नीला, सफेद, हरा, लाल? आंसर बी इज करेक्ट, सफेद। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं? टीबिया, स्टेपीज, मेटाटार्सल, फैलेंज? आंसर बी इज करेक्ट, स्टेपीज। रेडियम एवं अल्ना अस्थियां किस अंग में स्थित होती हैं? तलवा में, छाती में, जंघा में, अग्रबाहु में? आंसर डी इज करेक्ट, अग्रबाहु में। ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं? पहाड़, महाद्वीप, नदियां, महासागर? आंसर बी इज करेक्ट, महाद्वीप। सिली पॉइंट संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, चेस से, गोल्फ से? करेक्ट आंसर इज बी, क्रिकेट से। डायनामोमीटर यंत्र किस व्यक्ति के शक्ति मापन का कार्य करता है? इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या जर्मनी? आंसर ए इज करेक्ट, अमेरिका। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1984, 1985, 1982, 1983? आंसर ए इज करेक्ट, 1984। शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हो सबसे आवश्यक कार्य है? समाज की जागरूकता, विस्तृत प्रचार, निःशुल्क शिक्षा, पर्याप्त छात्रवृत्ति? आंसर इज करेक्ट, समाज की जागरूकता। ओलंपिक का मुख्यालय है बार्सिलोना में, स्विट्जरलैंड में, एथेंस में या हेलसिंकी में? आंसर बी इज करेक्ट, स्विट्जरलैंड में। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको? ग्यूलिक,
स्किनर, कार्डवेल को, रॉस। आंसर ए इज करेक्ट। जूली, वॉलीबॉल में एंटीना का क्या रंग होता है, लाल सफेद काला या लाल सफेद? आंसर डी इज करेक्ट, लाल और सफेद दोनों। किसके अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवी अनुभवों का सार समझना चाहिए? फ्रोवेल, नैस, एसेबा, किनमें से कोई नहीं? आंसर ए इज करेक्ट, फ्रोवेल। कलाकार के हाथ में यह एक साधन है जिससे वह पदार्थ को आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। यह कथन किसका है, मुन्नो, विलियम्स, कनिंगम या प्लेटो? आंसर सी इज करेक्ट, कनिंगम का। किसने शिक्षक को कलाकार पाठ्यक्रम को साधन, विद्यार्थी को पदार्थ व स्कूल को स्टूडियो का? फ्रोवेल, कनिंगम, मुन्नो या सिंगम? आंसर बी इज करेक्ट, कनिंगम। निम्न में से प्राथमिक अभिकरण नहीं है, अफेक्शन, भूख, सेक्स, प्यास? आंसर ए इज करेक्ट, अफेक्शन। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या इनाम में दिया जाता था, मेडल, सिक्के, टोपी, जैतून के पत्तों से बना ताज? आंसर डी इज करेक्ट, जैतून के पत्तों से बना ताज, जिसको मुकुट बोलते हैं। पेंटाथलान प्रतियोगिता में पेंटा और एथलान से क्या तात्पर्य है, फाइव एंड प्राइज, सिक्स एंड फ्लावर, फाइव एंड लीव्स, सिक्स एंड इंडिविजुअल? आंसर सी इज करेक्ट, फाइव एंड लीव्स। इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन ICPA की स्थापना कब हुई थी, 29 अक्टूबर 2002, 29 अक्टूबर 2003, 29 अक्टूबर 2004, 29 अक्टूबर 2005? आंसर इज करेक्ट, 29 अक्टूबर 2002 को हुई। क्रिकेट का मूल नाम क्या है, कोर्ट बॉल, क्लब बॉल, लान बॉल या सभी? आंसर बी इज करेक्ट, क्लब बॉल। हैदराबाद में स्थित है लाल बहादुर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम या चरण सिंह स्टेडियम? आंसर इज करेक्ट, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। भारत के अनुसूचित विद्यालय किस खेल से संबंधित है, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या टेनिस? आंसर बी इज करेक्ट, बैडमिंटन। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1960, 1962, 1961 या 1963? आंसर सी इज करेक्ट, 1961। प्रारंभिक सामग्री के अंतर्गत आते हैं मुख्य पृष्ठ, स्वीकृत पत्र, प्राथमिकता या सभी? आंसर डी इज करेक्ट, ये सभी। कौन सा प्रतिवेदन का मूल भाग है, प्रस्तावना, वस्तु सारणी, प्राक्तन या चित्र सूची? आंसर ए इज करेक्ट, प्रस्तावना। कौन सा प्रतिवेदन का मूल भाग नहीं है, अध्ययन की विधि सारणी, सूची, रसायन सारणी या सारांश व निष्कर्ष? आंसर बी इज करेक्ट, सारणी, सूची। प्रतिवेदन के किस भाग के अंतर्गत शोधार्थी समस्या के स्वरूप एवं प्रकृति का विश्लेषण करता है, अध्ययन के बीच, सारांश, प्रस्तावना, इनमें से कोई नहीं? आंसर सी इज करेक्ट, प्रस्तावना। प्रतिवेदन के किस भाग के अंतर्गत आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है, प्रस्तावना, सामग्री का प्रस्तुतकरण, सारांश या निष्कर्ष? आंसर बी इज करेक्ट, सामग्री का प्रस्तुतीकरण। शोधार्थी अनुसंधान की प्रक्रिया, उपलब्धियों तथा विकास, संपूर्ण विकास की रूपरेखा को किसके अंतर्गत प्रस्तुत करता है, भूमिका, अध्ययन के लिए, सारांश व प्रस्तुतिकरण? आंसर सी इज करेक्ट, सारांश। कौशल प्रशिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3, 4, 5, 6? आंसर बी इज करेक्ट, 4। खिलाड़ियों को खेल संबंधी सभी नियमों का ज्ञान कौशल प्रशिक्षण की कौन सी अवस्था है, पहले, दूसरी, चौथी, पांचवी? आंसर ए इज करेक्ट, पहली। कौशल प्रशिक्षण की किस अवस्था के अनुसार खेल की प्रकृति तथा खिलाड़ियों को खेल में भागीदारी की विस्तृत जानकारी खिलाड़ी को होनी चाहिए, तृतीय अवस्था, द्वितीय अवस्था, प्रथम अवस्था या चतुर्थ अवस्था? आंसर बी इज करेक्ट, द्वितीय अवस्था। कौन सा प्रस्तुति विधि का रूप नहीं है, प्रदर्शन, व्याख्या, सहयोग, ये सभी? आंसर सी इज करेक्ट, सहयोग नहीं है। काल विभाजन कितने प्रकार का हो, 2, 3, 4, 5? आंसर बी इज करेक्ट, 3। कौन सा काल विभाजन का प्रकार नहीं है, एकलयामी, द्वियामी, त्रियामी या बहुयामी? आंसर डी इज करेक्ट, बहुयामी। कक्षा 9 के लड़के दंड लगाते हैं, 45 से 50, 40 से 45, 40 से 50, 50-60? आंसर सी इज करेक्ट, 40 से 50। कक्षा 10 के लड़कों के दंड की संख्या है, 40 से 45, 40 से 50, 50 से 55, 50 से 60? 50 से 60। क्रिकेट बॉल थ्रो में कक्षा 5 के छात्रों की निर्धारित लंबाई 20 से 22 मीटर, 23 से 24 मीटर, 23 से 25 मीटर, 22 से 25 मीटर? आंसर बी इज करेक्ट, 23 से 24 मीटर। कक्षा 10 के छात्रों के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो में निर्धारित लंबाई होती है 40 से 45 मीटर, 42 से 47 मीटर, 43 से 46 मीटर या 47 से 48 मीटर? आंसर डी इज करेक्ट, 47 से 48 मीटर। लॉन्ग जंप में अच्छा प्रदर्शन हेतु कितने प्रतिशत प्रदान किए जाते हैं, केवल 1, 2, 3, 4? आंसर सी इज करेक्ट, 3, और कई बार 4 भी दिए जाते हैं। कक्षा 8 से 10 तक हाई जंप के लिए निर्धारित ऊंचाई होती है 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1.20 मीटर या 1.10 मीटर? आंसर डी इज करेक्ट, 1.10 मीटर। किसके अनुसार पाठ्यक्रम को विषयों के संकलन के रूप में नहीं लेना चाहिए,
यह प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर रचनात्मक क्रियाओं के रूप में होना चाहिए। हार्वर्ड रीड, हार्वर्ड स्पेंसर, थॉर्नडाइक या एडविन। आंसर ए इज करेक्ट, हार्वर्ड रीड। अंतिम रूप में विद्यालय को मनुष्य की अनुभूति तथा अभिव्यक्ति प्रदान करनी चाहिए, यह किसके शब्द है? नैश, मैकॉल, पॉवेल या रॉस। आंसर डी इज करेक्ट, रॉस। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ता है? 40 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर, 41.165 किलोमीटर या 43.299 किलोमीटर। आंसर बी इज करेक्ट, 42.195 किलोमीटर। आप तो को सद्वाना खेल कौन कौन से हैं? 1986 मास्को, 1990 सिएटल, 1994 सेंट पीटर्सबर्ग। डी ये सभी करेक्ट आंसर इज डी, ये सभी। तो आपने यहाँ पर देखा 125 क्वेश्चन आंसर की सीरीज थी जो कि हिंदी में थी। इसके बाद मैं फिर से इंग्लिश में सीरीज लेकर आऊंगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को मैं कंटिन्यू लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए ये सीरीज कंटिन्यू आती रहेंगी। तो आप वीडियो पर बने रहें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।